सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडियो एंड वेलकम टू दिस वीडियो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर सेट गोल ऑफ नाबार्ड ग्रेडी एग्जामिनेशन एंड ऑलरेडी ड्रीम्ड बिग टूडे आपकी जो एक छोटी सी एनजाइटी है ऑफ ए आर डी स्टैटिक स्पेशली जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है या फ्रेशर है बिल्कुल नाबार्ड ग्रेडी एग्जामिनेशन दे गेट मोस्ट वरीड अबाउट ए आर डी स्टैटिक तो फॉर योर ड्रीम्स फॉर योर विशेष वी हैव दिस वीडियो वेयर वी विल टेल यू यस स्टैटिक इज है लिटिल डिफिकल्ट और टाइम के साथ एग्जाम में इट्स गेटिंग टफर बट गाइज इफ यू आर कमिटेड इफ यू हैव सेट द गोल कि मुझे करना है नाबार देन एआरडी इज वेरी मच डूएल नाव यू विल है ज्यादा की आपके ड्रीम टफ है ज्यादा और राइट सो टूडे वी कैन डू फॉर यूल डेडिकेटेड स्टडीज हाउ कैन यू प्रिपेयर और यू कैन गेट मोर देन ट्वेंटी मार्क्स इन एआरडी स्टार्टिक अगेन गाइड ट्वेंटी मार्क्स यू माइट बी थिंकिंग की ए आर डी तो फोर्टी मार्क्स की होती है बट वी आर स्पेशली आर टॉकिंग अबाउट ए आर डी स्टार्टिक Current ka, we will take it together, right? So, this we are talking about 20 plus out of 30. Alright, keep that in mind. And also, na, uh, to understand the ARD, that portion will also help. So, that is why we have come up with this session. But before I start this session and tell you the strategy how you can cover ARD static, I just want to quickly talk about the initiative taken by EduTap for all the NABARD aspirants. ंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन एंड यू हैव क्वेरीज रिलेटेड टू योर नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक वॉट इज द फंक्शन ऑफ नाबार्ड और लेट से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नाबार्ड इन दैट केस यू विल गेट दर थ्रू दिस गाइडबुक नाउ लेट सेबाउट दर्गनाइजेशन बट यू हैव मोर क्वेरीज अबाउट द एक्म द बेसिक क्वेरीज लाइक हाउ मेनी फेजेज आर देयर वट सब्जेक्ट यू विलू प्रर कट ऑफ कितनी जाती है वर बी फिजिबल कितनी छोटी क्वेरीज के लिए यू आर गोइंग ऑन द नेट यू आर सर्चिंग फॉर दीडियो सो वॉट यू कैन डू यू कैन डाउनलोड दिस गाइडबुक हेयर यू विल गेट द आंसर ऑफ ऑल द्विक आंसर ऑफ योर क्वेरीज रिलेटेड टू द एग्जाम एज वेल नॉट ओनली दैट दिस गाइडबुक इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन प्रिपरेप स्ट्रैटेजी एज वेल एज डेफिनेट सोर्सिसट विल हेल्प यू क्रैक यूर नाबार्ड एग्जामिनेशन बट

सबसे पहले बिफोर टॉकिंग ना किन अब तक रट गया होगा इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ देखो ए आर डी स्टैटिक इज अ फोर्टी मार्क्स इन फेज वन इफ आई टॉक अबाउट फेज टू तो यहाँ जो कंबाइंड पेपर आता है ई एस आई ए आर डी का हेयर एआरडी इज अग पोर्शन एंड ऑल्सो सी ऑब्जेक्टिव में भी ना ऑलमोस्ट

Uh, right? so, ये रूरल डेवलपमेंट राइट तो थोड़ा सा सभी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है बट दिस कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड उनके लिए ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सो गाइस नाउ लेट अस टॉक अबाउट वट यू कैन डू इन फिफ्टी आवर्स टू गेट

आपको जो थोड़े से बेसिक है यू विल अंडरस्टैंड बिकम इजी फॉर यू दैट इज वाई फार्मिंग सिस्टम को कवर करने के लिए यू शुडन टेक मोर देन थ्री talking देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर will यू विल डू सी यू कैन डू टू After दैट ना यू कैन jump टू प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्योंकि ये भी थोड़ा सा ना प्लांट प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है तो थोड़ा सा उससे ज्यादा लेंड है So what you can do, you can from farming system you can jump to plantation and horticulture, and after that you can jump to the forestry chapter. Okay? So in sub, me forestry, see, forestry, na, after doing all these chapters, forestry will not be very difficult for you. Because here, when we do agronomy and all, so we will have a rough rough idea. Forestry will be a little different. Okay, you will have a set base.

उनको थोड़ा सा ज्यादा चीजें हैं दैट इज वाई वी विल टेक फोर आवर्स हेयर ये अगेन बहुत डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं है जैसे आपको इकोनॉमी और फार्मिंग सिस्टम में जरूरत है यहाँ थोड़ी सी लेंथ uh, ज्यादा है चीजों की ऑल राइट आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विदिमल हजबरी अगेन ये ना एग्रीकल्चर से थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज हेयर विल बी डीलिंग विद एंड पोल्ट्री ऑल राइट दैट इज वाई अगेन फाइव फार इट विल टेक यू टू गेट दैट सेट इन गेट दैट सेट इन माइंड एंड ऑल्सो योर माइंड विल बी सेट फॉर दैट एंड ऑल्सो विल बी एबल टू स्टडी दैट राइट इसके बाद फिशरीज अगेन बिकम डिफरेंट सो फिशरीज इसीलिए विल विल टेक यू सो दैट बी द बेसिक शेड्यूल फॉर यू ठीक है अब ये मिला के कितने हो जाते हैं ट्वेंटी क्या करना है तो देखो इनको तुमने कर लेना है इसके लिए यू कैन टेक प्लस माइनस टू आवर्स एंड इफ यू आर फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड यू विल बी वेरी वेल एबल टू सेव अराउंड फाइव आवर्स दैट कैन वेरी मच हैपन बहुत पॉसिबल है बट एक्सप्रीम केस में लेते हैं यू आर वेरी फ्रेशर नेवर टस्ट एग्रीकल्चर किताब यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर का ए भी नहीं आता इन दैट दैटी सेवन आवर्स ले सकते हो अब वहां कम्पन क्या करना है और बाकी के 23 में क्या करना है और इफ यू यूर समी ना मैम इससे ज्यादा टाइम लग गया तो क्या देखो यहाँ पे ना यू विल हैव टू गेट द रीडिंग यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द यू विल नॉट ट्राई टू कॉन्सेप्टी मगअप कि सब एक दिन में याद हो जाए ठीक है दैट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ देन केयरफुलट यू विल डू इन रिमेनिंग ट्वेंटी ये करोगे से आई टोटली अबाउट दैट बट फॉर एग्रीकल्चर कोर सब्जेक्ट्स के लिए अरुण विल बी देयर एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंड बाय आर के शर्मा इज अनदर बुक फॉर कोर एग्रीकल्चर दैट यू कैन पिक ठीक है इसके अलावा कोर एग्रीकल्चर करने के लिए वी ऑल्सो हैव नीमरा सुंडा बट नीमरा सुंडा आई वुड से अभी अगर बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो अवॉइड कर सकते हो अगर यू हैव गिवन एग्जाम्पन टू टाइम सीन दी एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट लाइक टू थ्री इक और लास्ट ईयर यू हैव सीन इट इन दैट केस यू कैन रेफर टू निमरा सुंदा बट इफ यू हैव नो बेस एट ऑल इन दैट केस दीज टू बुक आई वु इनमें से एक को पिक कर लो अगेन एक को पिक कर लो ठीक है फॉर एग्रीकल्चर देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आई विल टेल यू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आगे करनी है ठीक है ऐसे ही एनिमल हसबेंडरी के लिए वी हैव दिस बुक देन

But 80% if you want to score the 80% you will have to memorize each and everything. Or 27 hours is very, very, very difficult. So, what you will do, you will get the basic understanding, you will get the basic facts there when you go for the first reading. After that, you will pick the other remaining chapters like introduction to agriculture. You pick, and what you will do, you will take two hours of time in which for half an hour you will be spending on the agronomy chapter. case revision, how you will revise it through MCQ. Okay, and what you introduction to agriculture, see it will become again very easy for you because you will have the reading. So, here, although I have given data, but it can very much take you around 40 minute or one hour also because very basic chapter. This is all right, similarly. What you will do? So, this we will do. Let's say this you will do in day one after completing the important chapters. Then, next day, what you will do? You will pick first of all farming system. Our farming system, Sena, the cropping system and pattern is very much connected. So, this chapter again will become very easier to cover. You will revise this through MCQs. Alright, then you will move to this chapter. अगेन इफ यू समी ना जिसको थोड़े से कॉन्सेप्ट की आइडिया है, है इस केस में यहाँ डू कॉन्सेप्टीडिंग टाइम नहीं लगने वाला है यू स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस टाइम मैनेजमेंट हैज बीन डन ठीक है पहले टाइम ज्यादा लगेगा बाद के चैप्टर में रिविजन और चैप्टर इजिली हो जाएंगे बिकॉज यू हैव दंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट राइट देन

and half hour for plantation horticulture ka revision through again mcq agar mcq mein you get the idea na ki this is my weakness then in that case open the uh, concept again to revise otherwise go for mcq then forestry you will do for revision and seed and sowing chapter you will do and you will dedicate 2 hours for these two theek hai not 2 hour each combined 2 hour you will take theek hai after that what you will do you will have to फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज दॉटर कंजर्वेशन का चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, है इसकी कंबाइंड uh, की स्टडी करने के लिए एंड वॉटर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट वॉटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप इसके रिविजन के बाद इसको पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर समीक है सो दिसक यू अराउंड फोर आवर्स इन दोनों की कंबाइंड स्टडी देन वॉट यू विल डू एक दिन थोड़ा सा ब्रेक लेना रिविजन से एंड डू द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ठीक है इस चैप्टर को बैठ के फुर्सत से पढ़ लेना बुक आई हैव ऑलरेडी यू 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 आफ्टर दैट व्हाट विल विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री का चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जिसमें मिसलेनियस चीजें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कवर हो जाएंगी दैट यू यू विल डू एंड इट शुड टेक अराउंड आवर्स आवर्स अगेन सी यहाँ पे यू विल हैव टू गिव टाइम मोर

ठीक है कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आता है कुछ को देर से समझ में आता है लेकिन याद लंबे टाइम तक रहता है कुछ भूल जल्दी जाते हैं बट दैट यू विल हैव टू नो फाइन ट्यून इट ऑन योर ओन बट डोंट गिव अप ना कि मेरा पहले दिन नहीं हुआ तो मैं दूसरे दिन नहीं कर रहा हूँ वर्क हार्ड इफ सी बेसिक आई हैव गिवन यू यू हाउ मच स्टडी आर नीड अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है तो डोंट काउंट द टाइम ऑफ यू नो फाइंडिंग द सोर्सेज इन देयर सो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस नाउ गाइज प्लीज अगेन टेक द स्क्रीनशॉट

ठीक है बस रिवीजन के लिए अच्छे से टाइम देना पढ़ाई एक बार जो कर रहे हो ध्यान वही रखना यू हैव स्टडी बुक खोल के टीवी देखने फोन पे लगने दैट यू वुड जस्ट से अ गोल प्लान इज जस्ट विश आप में से काफी बच्चे अब क्या करेंगे कहेंगे ठीक है फिफ्टी आज में हो सकता है तो मैं पेपर से तीन दिन पहले ए आर डी खोलूंगा वेट्स नबार्ड ऑफिसर बन जाओ एंड यू हैव अ प्लान कि ए आर डी को क्रैक कैसे करना है दिस विल रिमेन दिश ऑफ आप में से 60 परसेंट बच्चे अभी भी ऐसा करेंगे वीडियो देखेंगे सुनेंगे अच्छा लगेगा ठीक है 50 साल में हो सकती है मैम ने कहा है सो जाते हैं बट जो फोर्टी परसेंट बच्चे है ना आई वु इंकरेज यू ऑल प्लीज डू स्टडी वेल अच्छे से प्रिपेयर करो दैट विल गिव यू एज ऑन द कॉम्पिटिशन सो आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू यू प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट नाबार्ड को क्रैक करना इज दैट जस्ट अ विश और इज दैट योर गोल प्लीज डू लेट मी नो ऑल राइट सो दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो इफ यूर न्यू इयर डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल वेअर वी ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्टेंट ठीक है एआरटी स्टैटिक की सीरीज शुरू हो गई है शामली मैम डेली क्लासेस ले रही है सो प्लीज डू वॉ दट ऑल्सो एंड ऑल्सो इफ यू ऑन द पी डी एफ जो शामली मैम क्लास ले रही है जो बाकी कॉन्टेंट की क्लास लगती है क्यू आर की क्लास प्रतिभा मैम ले रही है दै कैन ऑल्सो वॉच सो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा वेयर यू गेट द पी डी एफ सो थैंक यू सो मच गाइज इफ यू हैव any क्वेरी रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एंड यू कैन ऑल्सो चेक आर वेबसाइट इफ So that will be it for the video.